उत्तर प्रदेश के सरकार और जल शक्ति मंत्री भले कितने दावे करते हों और हर घर जल नल की बात करते हों, मगर मिर्जापुर में सभी दावे फेल साबित होते हैं। मिर्जापुर जनपद का एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद से अब तक पानी की समस्या का निदान कोई सरकार नहीं कर सकी है। इस गांव के लोग घर से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ पर झरने से पानी भरने को मजबूर होते हैं, या जो टैंकर से सप्लाई की जा रही है उससे पानी लेते हैं। टैंकर से सिर्फ एक व्यक्ति पर 15 लीटर पानी मिलता है, पूरा न होने पर झरने पर ही जाना पड़ता है। पानी के लिए बकायदा लोगों का कार्ड बनाया गया है, कार्ड के हिसाब से लोगों को पानी दिया जाता है। तीसरे दिन पानी लोगों को मिलता है, टैंकर से 15 लीटर हर दिन के हिसाब से पानी मिलता है। हालत यह है कि पानी की वजह से अब रिश्ते भी अच्छी जगह नहीं होते हैं। यहाँ की महिलाएं पूरा समय अपना पानी में लगा देती हैं, यही कारण है कि कोई रिश्ता नहीं करना चाहता। और अब इस महिला की जुबानी ही सुन लीजिए। यह क्या कहते हैं, यह काम जब काम करे जब तो लड़का गोरू मरी, और क्या कहते जब पानी ढोते यही काज भी आ, जब चढ़ावा करी तो कहेंगे जब पानी ही तो काज भी आ कर। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर लहुरियादे गांव में पानी का संकट सदियों से है। आज तक कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। इस गांव में पानी का साधन केवल एक छोटा सा झरना है, कभी कभी तो झरने पर भी भीड़ लग जाती है। इतना पानी देते देते जवाब दे देता है। बरसात के मौसम में पहाड़ के झरने से तो पर्याप्त पानी मिल जाता है, लेकिन अन्य मौसमों में नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पर 12 महीने पानी टैंकर से सप्लाई की जाती है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में सभी का कार्ड पानी के लिए बनाया गया है। कार्ड के हिसाब से पानी वितरण किया जाता है। एक व्यक्ति को 15 लीटर के हिसाब से पानी दिया जाता है। तीसरे दिन टैंकर इकट्ठा पानी लोगों को दे देता है। गांव के लोग स्टोर करके उसी को 3 दिन चलाते हैं। भीषण गर्मी में मिर्जापुर के लहुरिया दह गाँव के पास कई गाँव में पानी का संकट खड़ा हो गया है। लहिया लालगंज राजगढ़ पहाड़ी मंजुवा ब्लॉकों के 150 गांव में वाटर लेवल नीचे चले जाने से पानी का संकट बताया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो जहां पर पानी का संकट है वहां पर टैंकर से सप्लाई की जा रही है, सभी को पानी मिल रहा है। पाइप पेयजल योजना का कार्य तेजी से जिले में चल रहा है, जल्द ही सभी गाँव में भी नल से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। कुमार आदिवासी जी बताइए, क्या समस्या यहाँ पे है, कितने सालों से बना है, कैसे काम चलता है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी का है। यहाँ अगर पानी हो जाए तो सब समस्या का हल हो जाएगा। कैसे पानी मिल रहा है, कितना मिला है? हो गया, पानी मिल रहा है, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मिलता है, 15 लीटर मिलता है एक आदमी पीछे। तो वो पूरा हो जाता है? हो गया भाई, तीसरे दिन मिलता है तो पूरा हो जाता है, 90 लीटर एक आदमी पीछे मिल जाता है तीसरे दिन में। नहीं पूरा होता है तो कहाँ से लाते हैं? झरने से लाते हैं, 1 किलोमीटर पहाड़ के नीचे उतर के लाते हैं। तो ये बताइए कुछ और समस्या, जैसे आपके यहाँ शादी ब्याह क्या होता है? शादी ब्याह तो सबसे बड़ी समस्या ही है। यहाँ पर पानी के लेकर के बहुत समस्याएं हैं। यहाँ लोग अपनी बहन बेटियाँ नहीं बिहाना चाहते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये आदिकाल से हम जब से देख रहे हैं, लगभग 40 वर्ष मेरा उम्र हो चुका है और उसके पहले से ये समस्या यहाँ पे बनी हुई है। कैसे पानी सप्लाई कर रहे हैं, कितना निकल रहा है? पानी के स्रोत यहाँ पे बरसात के समय तो रहते थे, कुछ झरने वगैरह के माध्यम से पानी और कुछ तालाब वगैरह में भर जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिससे पानी अब आए दिन यहाँ पे 12 महीने पानी की किल्लत हो गई है। अब यहाँ 12 महीने टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। कितना लीटर दे रहे हैं? एक व्यक्ति को गर्मी के मौसम में जो है उनके कार्ड के मुताबिक, जो कार्ड उनका बना उसका डबल पानी उनको दिया जा रहा है। लगभग जैसे अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 20 डिब्बे पानी उनको दिया जा रहा है। वही सीडीओ श्री लक्ष्मी वीएस कहती हैं कि लोगों को टैंकर के माध्यम से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां पानी की समस्या है वहां लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अभी गर्मी के कारण हमारे 2 ब्लॉक है, हलिया और लालगंज, जहां पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। मगर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वहाँ टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी लग जाए। वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व भी किए। पर्याप्त पानी मिल जा रहा है? पर्याप्त मिल जा रहा है, दिया जा रहा है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लहुरिया दह गांव में आज तक तबीयत से कोई पत्थर नहीं उछाला गया और सरकार प्रशासन की उदासीनता की वजह से लहुरिया दह गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।